बॉलीवुड कपल्स की शादी हमेशा से ही मीडिया के लिए बड़ी खबर रहती है। जिसे वो अपने चैनल पर दिखाते हैं तो पूरा देश उन स्टार्स जोड़ियों की शादी की खबरों से अवेयर हो जाता है, जिसके बाद हर घर में उसी कपल की शादी की बात होती है, जिससे इन्हें बहुत सारा फेम भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड के पुराने दौर की कई मशहूर जोड़ियां ऐसी भी रही जो अपनी शादी से फेम नहीं पाना चाहती थी, इसलिए तो उन सभी जोड़ियों ने मीडिया से छिपकर शादी की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी के बारे में कोई जाने। यही वजह रही कि उन सभी कपल्स ने इस कदर गुपचुप तरीके से शादी की। उन्होंने अपनी शादी की छोटी से छोटी जानकारी मीडिया के सामने नहीं आने दी थी, और जब उन सभी की शादी के बारे में पता चला तो सभी हैरानी में पड़ गए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने दौर के कुछ ऐसी ही जोड़ियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने मीडिया से छिपकर की थी गुपचुप तरीके से शादी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो जोड़िया। नंबर 1, रवीना टंडन और अनिल थडानी। मीडिया से गुपचुप तरीके से शादी करने वाले कपल के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रवीना टंडन और अनिल थडानी का। इन दोनों ने 22 फरवरी 2004 को गुपचुप तरीके से शादी करी थी, क्योंकि अभिनेत्री रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार के साथ ब्रेकअप की खबरों को लेकर काफी चर्चाओं में थी, जिसके चलते इनकी ये शादी दर्शकों के लिए बुरी खबर बन सकती थी। इसलिए तो इन दोनों ने अपनी शादी की खबर को सामने नहीं आने दिया, ताकि दोनों की बदनामी ना हो। इस तरह से दोनों ने हिंदी रीति रिवाजों के साथ मीडिया से छिपकर शादी कर ली। नंबर 2, जूही चावला और जय मेहता। अभिनेत्री जूही चावला ने भी बिजनेसमैन जय मेहता के साथ मीडिया से छिपकर शादी रचाई थी, क्योंकि जय मेहता की दूसरी शादी थी और जय मेहता अभिनेत्री जूही चावला से उम्र में काफी ज्यादा बड़े थे और बूढ़े दिखाई देते थे, जिसके चलते दोनों ने साल 1995 में शादी की, जिसके बारे में दोनों ने मीडिया को नहीं बताया। दोनों ने अपने परिवार और दोस्तों के बीच छोटे से समारोह में शादी की थी। इनकी शादी के बारे में केवल इनके परिवार वालों और दोस्तों को ही पता था, जिन्होंने अपने तक ही इस बात को रखा और मीडिया में इनकी शादी के बारे में कोई भी जानकारी गलती से शेयर नहीं की थी। नंबर 3, भूमिका चावला और भारत ठाकुर। तेरे नाम फिल्म से प्रसिद्ध हुई एक्ट्रेस भूमिका चावला और साउथ डायरेक्टर भारत ठाकुर ने भी मीडिया से छिपकर शादी की थी। भूमिका चावला ने भारत ठाकुर से साल 2007 में छिपकर शादी की थी, क्योंकि अपनी शादी को और अपनी निजी जिंदगी को पर्सनल रखना चाहती थी, ताकि कोई इनकी शादी का मजाक या कोई गलत अफवाह ना फैला दे, इसलिए इन्होंने उनसे छिपकर शादी की। नंबर 4, रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। 2014 में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने मीडिया से छिपकर शादी की थी, क्योंकि दोनों की ये दूसरी शादी थी। पर दोनों कब एक दूसरे से मिले, दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और दोनों ने किस तरह से शादी कर ली, इस बारे में दोनों ने मीडिया को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। इसलिए तो लोगों को काफी समय तक पता ही नहीं चला था कि इन दोनों ने शादी कर ली है। और जब दोनों की शादी की खबर सामने आई तो सभी हैरानी में पड़ गए। खुद मीडिया वाले भी इनकी शादी की खबर सुनकर हक्के बक्के रह गए थे। नंबर 5, विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर। सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन के बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने भी की थी छिप कर शादी। आपको बता दे, फिल्मफेयर अवार्ड्स के बैक स्टेज पर दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। दोनों के प्यार से सभी वाकिफ थे, जिसे देखने के बाद सभी को लगने लगा था कि दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। पर दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि गुपचुप शादी कर ली। मगर मीडिया इन दोनों की शादी के बारे में पता लगाने में कामयाब रही। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस जोड़ी की शादी के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।